बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए बैठ गए हैं। अभी हमने खाना खाया था शाम दोपहर का, उसके बाद जी हम भाई लेकर आए थे आइसक्रीम, तो अभी हम लोग वो खा रहे हैं। और बैकग्राउंड में आपको मुर्गों की आवाज़ें आ रही होंगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा, मैं छत पर वॉइस ओवर कर रही हूँ इसीलिए। तो अभी जो है मेरी सिस्टर जो है आइसक्रीम कट करेंगी। वैसे हमेशा अम्मी सबको जो है ना कट करके हिसाब से देती हैं, लेकिन अभी मेरी सिस्टर कट कर रही है तो अम्मी से पूछ पूछ के कट करेंगी कितने पीस कट करने कितने करने। तो बस यही है। और अभी मानो को देखें जी किस तरह बच्चों की तरह आकर खड़ी हो गई कि मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। तो मानो को भी आइसक्रीम मिलेगी, और वो देखें उसके मुंह में पानी आ रहा है। तो मानो को भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ी बहुत ये खा लेती है, लेकिन ये बर्फ़ वाली नहीं खाएगी, थोड़ी पिघली हुई होगी ना वो मानो खाएगी। तो चलें जी, अभी यहाँ पर हमने रख दी हैं प्यालियाँ, इनमें डाल देते हैं आइसक्रीम सबके हिसाब की और सबको देंगे। और ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप सब में से किस किस को ठंड में आइसक्रीम खाना पसंद है? अभी यहाँ पर ये पिस्ता फ्लेवर है, तो मुझे वैसे मैंगो फ्लेवर पसंद है, तो अभी ये पिस्ता फ्लेवर है तो अभी ये खाते हैं हम लोग। और आप लोगों का फ्लेवर कौन सा पसंद है आइसक्रीम में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मानो अभी तक स्टिल खड़ी हुई थी। तो चलें जी, आइसक्रीम जो है हमने डाल दी है, मैं अभी सबको दूंगी और फिर मैं खाऊंगी। और वहाँ पर मानो देखें किचन में चली गई, मानो को ही मैंने आइसक्रीम दे दी और अभी यहाँ पर खा रही हूँ मैं अपनी आइसक्रीम। तो चलें जी, आप लोग में से जिसको खानी है आ जाएं। तो जी व्यूअर्स, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर किसी काम से, तो मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बनाई है, तो आप लोग वो क्लिप देख लें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो कुछ काम है, हमें शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए अभी बाहर जा रहे हैं। तो चले चलते हैं, लेट हो जाएगा वरना। चलो, अभी मैंने चप्पल नहीं पहनी, सॉक्स पहने में मैं ये वाली नहीं पहनी और इसने ये वाली पहनी है, ये है अभी मेरी। तो चलो बाहर चलते हैं। तो अभी हमने अपना रिक्शा करवा दिया है, तो अभी हम लोग बस बैठ गए और चलते हैं मार्केट। तो वहाँ से मुझे अपने लिए कॉलेज के एडमिशन के बाद अभी यूनिफॉर्म लेना है और कुछ थोड़े बहुत सामान लेने हैं, तो बस वही लेने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये अम्मी और मैं और मेरी सिस्टर, तो यहाँ से मैंने अपना ड्रेस जो है वो ले लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और दूसरी शॉप में चलते हैं। तो अभी जाएंगे हम लोग शूज़ की शॉप पर। तो देखिए जी, अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो मुझे बिल्कुल ही सिंपल में और ब्लैक कलर का शूज़ चाहिए, तो बस वो मैंने निकलवाया है। तो अभी मैं पहन कर चेक करूँगी उसका साइज़। और यहाँ पर मेरी सिस्टर को ये स्लीपर्स और सैंडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और काफ़ी अच्छी भी थी यहाँ पर पड़ी हुई सब। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ शूज़ लेने आए हैं, तो बस वही लेंगे। तो अंकल ने ये दिया मुझे, अब मैं पहन कर देखती हूँ और थोड़ा सा चलकर भी देखना है कि ये कंफर्टेबल है या नहीं। तो चले जी, वैसे मुझे शूज़ की लेस बांधना नहीं आती, तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा वॉक करके देख रही थी कि सही है या नहीं। तो बस हमने वो फाइनल करवा दिए और अभी अंकल पैक कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बहुत ही अच्छी शॉप है इनकी। तो जी व्यूअर्स, अभी हम लोग शॉपिंग करके और जो मैंने आपको दिखाया बस हमने वही लिया, मैंने यूनिफॉर्म लिया कॉलेज का। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और घर में अम्मी ने बनाया है ये देसी मक्खन। पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की है, अम्मी ने जब देसी घी बनाया था, तो वो मेरे चैनल पर वीडियो है उसकी, प्रॉपर देसी घी बनाने की रेसिपी है। तो अगर आप लोग मक्खन की भी रेसिपी बोलेंगे तो मैं भी वो वीडियो भी अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी यहाँ पर भाभी साथ में फ्रूट कट कर रही हैं, अम्मी मक्खन जो है वो बना रही हैं। तो देखें इस तरह से ये मक्खन के बॉल बना दिए हैं अम्मी ने।
दूध की जितनी भी मलाई होती है ना, मम्मी सारी कलेक्ट करके रखती है, और जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाती है तो उसका घी बना देती हैं या फिर मक्खन। अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं तो रोटी पर मक्खन लगा कर खाना अच्छा लगता है, तो सबकी फरमाइश भी थी कि मक्खन बनाओ मम्मी इस दफ़ा, तो मम्मी मक्खन बना रही है। काफ़ी ईजी सा इसका प्रोसेस है। जब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी डिटेल में। अभी जो है अम्मी ने सारी मलाई जो होती है दूध की वो सारी डाली एक बर्तन में, उसके अंदर ठंडा पानी डाला, और उसके बाद उसको बहुत सारा जैसे लस्सी फेंटते हैं ना हम लोग उस डंडे से लकड़ी वाले से, तो उससे फेंटा, और ये जो मक्खन होता है वो अलग हो जाता है और उसका पानी अलग हो जाता है। और अभी ये बॉल बना कर भी अम्मी ने ठंडे पानी में रख दिए थे ताकि ये जम जाए, तो बस ये बिल्कुल बन गए। और इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड होता है ताकि थोड़ा फ्लेवर आए। तो देखिए हमारा कंटेनर फुल हो गया है और बहुत ही घर में बना हुआ मज़ेदार स्वादेशी मक्खन रेडी है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर फिंगर में लेकर दिखा रही थी आप लोगों को कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, और मानो ने भी ये मक्खन खाया। तो जी वीवर, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और मेरे व्लॉग में बैकग्राउंड में पीछे से मुर्गी की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं छत पर बैठी हुई अभी धूप है, इसीलिए धूप में आकर बैठे हैं। तो जी अभी देखें अम्मी ने फिर से जो थोड़ा बहुत मक्खन रह गया है इस पतीली में वो भी निकाल देंगी, और इसमें पानी में डिप करके, और फिर वो भी इसका पानी जो है हमने स्क्वीज़ कर देना है अच्छे से नरम हाथों से, तो अच्छे से हमारा मक्खन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।